नमस्ते शानचार फैमिली, मैं क्रांति संभव। ये है लेटेस्ट BMW की X5, यानी लेटेस्ट X5, जिसमें बहुत सारी चेंजेस हुए हैं और ये आई है लगभग 94-95 लाख के एक शोरूम कीमत के साथ। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जो ये फ्रंट ग्रिल जो साइज़ है, बहुत बड़ा लग नहीं रहा है, या फिर अब आई थिंक हमारा जो जो विजुअल सेंस है वो अडेप्ट कर चुका है BMW के लेटेस्ट फ्रंट ग्रिल के साइज़ को, आई गेस। लेकिन इसमें एक और चीज़, जो ग्लोइंग आपको यहाँ पर किडनी ग्रिल जो है वो ग्लोइंग आपको लाइट मिलेगी। फिलहाल अभी आई एम नॉट श्योर अगर इस रोशनी में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अडेप्टिव आपको इसमें मैट्रिक्स हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो फील है आपको सामने, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी स्कल्प्टेड सी फील आपको इसमें नज़र आएगी। ये जो वर्जन है वो बेसिकली एम स्पोर्ट वाला वर्जन है और इसकी निशानी आप देख सकते हैं कि यहाँ, इधर ही दिखाता हूँ मैं आपको। ब्रेक कैलिपर्स आप देखिए, एलॉयज के ऊपर आप देखिए, साइड में देखिए आप। और इसके अलावा कार के अंदर जब मैं जाऊंगा तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको इसकी निशानी दिखेगी कि ये एम स्पोर्ट वर्जन है। और अब इस X5 के अंदर बैठते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया, यहाँ पर एम स्पोर्ट की बैजिंग आपको स्टीयरिंग व्हील पर देखने को मिल रही है। अब एक एक करके यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले इस स्क्रीन यूनिट की बात करें, दो स्क्रीन्स आपको नजर आएंगे यहाँ पर। ड्राइवर्स ड्राइविंग के इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, हेडअप डिस्प्ले भी है वैसे आपको बता दें। ये काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी कलरफुल सा मुझे लग रहा है और प्रीमियमनेस आपको फील हो रही है। जो रेजोल्यूशन है, जो लुक है, वो आपको काफ़ी शार्प और क्राफ्टेड ग्लास क्लैरिटी, इस टाइप पर कुछ कंपनी ने कहा है कि वो इस पर काम किया गया है, बट ओवरऑल फील जो है वो मुझे काफ़ी शार्प, काफ़ी प्रीमियम लग रही है। इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको बताएं कि यहाँ जनरली वेदर, नेविगेशन, इंफरटेनमेंट, रेडियो सुन रहे हैं या जो भी आपके पास ऑडियो का सोर्स है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा माई BMW में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप ढेर सारे सेटिंग्स देख सकते हैं जो आप इस कार के बारे में या तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या इसमें चेंज कर सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग सेटिंग्स के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर असिस्टेंट्स, चाहे वो कोलिजन वार्निंग है या ब्रेक इंटरवेंशन है या फिर लेन डिपार्चर वार्निंग है और इन्फॉर्मेशन है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा चासी में क्या कुछ चेंज आप कर सकते हैं, तो स्पोर्ट इंडिविजुअल जो है वो आप देख सकते हैं, जो सस्पेंशन की डैम्पिंग है उसे आप स्पोर्ट या कंफर्ट में डाल सकते हैं। स्टीयरिंग में स्पोर्ट या कंफर्ट, ड्राइव ट्रेन में स्पोर्ट या कंफर्ट या स्पोर्ट प्लस, तो ये सब आप इसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस कार में इको प्रो इंडिविजुअल भी है, यानी थोड़े से किफ़ायती पूरा सेटअप इसमें आप देख सकते हैं। तो ये मामला जो ऑप्शंस आपको स्क्रीन में मिल रहा है। अब डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करें, बहुत ही प्रीमियम सी फील आपको ये डार्क वुडन टाइप का टेक्सचर लेदर में जो फील हो रहा है मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी कूल सा लग रहा है। यहाँ पर आपको X5 की एक चमकीली सी बैजिंग या ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। जो बीच का हिस्सा है जहाँ पर आपको AC वेंट्स भी देखने को मिल रहा है, बहुत ही कूल और यू नो अच्छे डिज़ाइन के साथ उसे कंसील किया गया नज़र आ रहा है। आई रियली लाइक इट द वे इट लुक्स। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा है, दो कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं, 12 वोल्ट का पॉइंट है, एक टाइप ए चार्जिंग पॉइंट है। इसके अलावा ये जो यूनिट है ये मुझे काफ़ी फैंसी, काफ़ी कूल और काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से इंटरटेनमेंट के कंट्रोल के लिए आई ड्राइव सिस्टम और जो यहाँ कंट्रोल दिया गया है, इसमें कैसे क्रिस्टल टाइप की फील आप अलग अलग एंगल से शायद आप देख पा रहे हो। इसके अलावा जो ड्राइव सेलेक्ट है वो भी आपको ढेर सारे क्रिस्टल फिनिश के साथ देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कूल। यहाँ पर आप अलग अलग ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट, कम्फर्ट, इको प्रो, यहाँ इस बटन से ही चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ आपको मिल रहा है और ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट, ये सब बटन आपको मिल रहा है। एक बटन और भी है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, उसे आप जब इंगेज करेंगे, आई होप बैटरी इसमें है, तो फिर इसे मैं मैंने जिंक्स कर दिया। बेसिकली आप सस्पेंशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कार को बल्कि ऊपर नीचे कर सकते हैं सस्पेंशन को एडजस्ट करके। तो ये आपके पास एक यहां पर कंट्रोल दिया गया है। तो ये कहानी हो गई ड्राइवर सीट की। और एक फीचर जो है वो मुझे काफी कूल लग रहा है, आई थिंक इस सेगमेंट के कस्टमर के लिए तो बहुत ही कूल होगा ही। उसके लिए मैं कर ये रहा हूँ कि पहले मैं इसे कर रहा हूँ बंद और जब खोलूँगा तब देखिएगा कि किस तरह की फीलिंग आपको यहाँ मिलती है। ऑलमोस्ट एक ओपन टॉप SUV टाइप की फील आ रही है। बहुत बड़ा सनरूफ इसमें X5 में आपको देखने को मिल रहा है, सचमुच काफ़ी बड़ा है ये फीलिंग। आई गेस ज़्यादा मज़ेदार आपको सेकेंड रो से मिलेगी, तो सेकेंड रो में चलते हैं।
So, Krantis Sambhav reporting from the second row of BMW X5. और यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, पहले स्पेस की बात करें तो मेरी हाइट के लिए तो ऑब्वियसली एडिक्वेट सी ही जगह आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, लेकिन एवरेज हाइट के लिए आपको काफ़ी ठीक ठाक जगह यहाँ मिल रही है। थाई सपोर्ट ओके, कुशनिंग भी मुझे अच्छी लग रही है, और जो लेदर की फील है वो तो काफ़ी प्रीमियम मुझे ये लग ही रही है। आर्मरेस्ट दिया गया है, और इसमें आपका फोल्डर्स और यहाँ सामान रखने के लिए आपको जगह इसमें मिल रही है। आई थॉट फ़ोन के लिए होगा, बट सरफेस बहुत ज़्यादा स्टिकी तो नहीं है। ये आर्मरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्लॉट देखेंगे आप टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट के साथ, आप या तो टैब होल्डर आप अटैचमेंट के तौर पर यहाँ लगा सकते हैं, या फिर कोट होल्डर आप या कोट हैंगर सॉरी वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर इसे आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ की गाड़ी है, तो भाई फीचर्स तो प्रीमियम होंगे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर के लिए झगड़ा नहीं होगा, यहाँ पर अपने अपने हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं दोनों सीट के लिए। फ़ोन रखने की जगह है, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, 12 वोल्ट का पॉइंट है। एसी वेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, और एसी वेंट सिर्फ यहाँ नहीं, इस बी पिलर में भी आपको साइड में मिलेगा। सो आराम से, ठंड है और आरामदेह माहौल में आप X5 में सेकेंड रो में सफ़र पर जा सकते हैं। तो उसमें X5 में जो इंजन ऑप्शन है दो आपको, यानी पेट्रोल डीजल दोनों मिलेंगे, 6 सिलेंडर वाले आपको दोनों ही वर्जन मिलेंगे, जिसमें जो पेट्रोल वर्जन है उसकी ताकत लगभग 381 हॉर्स पावर की है, तो उसको BHP में आप कन्वर्ट करिए, 520 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है। वैसे डीजल वाले में टॉर्क ऑब्वियसली ज़्यादा, 650 न्यूटन मीटर का है, और जो ताकत है लगभग 286 हॉर्स पावर की है।